समाचार अब विस्तार से। कनाडा क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में अनेक नगरों की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। शनिवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन मौजूद थे। आदरणीय संदीप सिंह सर, इस आयोजन के रूहेरवा युवा नेतृत्व आदरणीय अगेंद्र लोधी जी, हमारे बड़े भाई, और पूरी युवा टीम। उपेक्षा का ही व्यवहार मैं कह सकता हूँ रहा होगा। आज परिवर्तन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या माननीय शिवराज जी लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयोग लगातार कर रहे हैं। विदिशा का ये मैदान नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़े हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं ये मैदान में हैं। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भोपाल में बहुत सारे मैदान होंगे, लेकिन ऐसे मैदान जगह बहुत ये जल का कोई मैदान हो सकता है, नजर का होगा, लेकिन यहाँ जितना कहते हैं ना वाइब्रेशन यहाँ की बहुत बाजू की, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ बड़े टूर्नामेंट होना चाहिए। मुझे कहा कि रणजी हम मांग रहे हैं, मेरे एक साथी बसंत जी बैठे थे, कि हम चाहते हैं कि यहाँ रणजी का हो या लेकिन उनको खिलाड़ियों को घुमाने के लिए जो इंटरनेशनल आते हैं उनको घुमाने के लिए जो जिनकी बड़ी मेहनत हो जाए है राजेश यादव जी और इस जिला क्रिकेट संघ के आत्मीय स्वभाव के मालिक आदमी भगवान दास सदानी साहब, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए। आपने हमारा आतिथ्य निरंतर स्वीकार किया है। लेकिन गहराइयों से सदानी साहब का आत्मीय अभिवादन। हमारे बीच पत्रिका ब्यूरो चीफ आदरणीय गोविंद सक्सेना जी है, पत्रकारिता का एक बड़ा नाम। आदरणीय गोविंद सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए, क्योंकि पत्रकारिता का बहुत अहम योगदान है इस टूर्नामेंट में, जो बेहतरीन कवरेज देखी जा रही। और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, साथ ही साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मैदान को अपना बेहतरीन स्वरूप देने में आपकी निष्ठा, लगन, मेहनत, संजीदगी और दो व्यक्तित्वों का आगमन। सदानी साहब अपने आप में एक कुशल नेतृत्व, गोविंद सक्सेना जी का आप द्वारा अभिवादन करें। इसी कड़ी में हमारे बीच खूबसूरत बनाया है आदरणीय मुकेश टंडन साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं और हमारे साथ बलबीर तुम अब बात करें, बलबीर सिंह जी हैं, पूर्व पार्षदों का भी जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें। मैं अपनी सनातन जोरदार तालियां हो जाए। इस समय नरेंद्र सिंह कुमार कप्तान है, बात करें जयपुर टीम की, और ये आदरणीय आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हो, टूर्नामेंट में भाग लेना ही एक बड़ी विजय होती है और वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करके खेले, मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं कि जो टीम जीतेगी वही कल फाइनल में खेलने वाली है, इसलिए उस टीम को आप शुभकामनाएं, और जो टीम रह जाएगी वो अगली बार मेहनत करके आए। और बधाई शुभकामनाएं पूरे आयोजन कर्ताओं को, बहुत बधाई शुभकामनाएं। आदरणीय सक्सेना जी का धन्यवाद जो अपना इतना व्यस्त समय निकाल कर इस टूर्नामेंट के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इनका भी बहुत तहे से जोरदार तालियां आपकी हो जाए। युवा टीम है जो ब्रह्मा लोधी की टीम के ऑनर है और फिर क्रिकेट क्लब के टीम के क्या कहेंगे कनाडा के ग्राउंड के बारे में? कनाडा का ग्राउंड विदिशा के लिए सौभाग्य का ग्राउंड है। ये विदिशा का की गरिमा है,
प्रतिष्ठा है। मैं इसको संवारने वाले, इसको सजाने वाले, चाहे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भाई मुकेश टंडन जी हों या यहाँ खेल की गतिविधियों को निरंतरता देने वाले भाई संदीप सिंह जी हों, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज खिलाड़ियों के लिए मैदान की दिक्कतें होती हैं और ऐसे मैदान और इतने सुंदर भव्य तरीके से बनाए हुए मैदान है कि यहाँ आकर के खिलाड़ी का मन करे कि यहाँ वो प्रैक्टिस करे या खेले, और न केवल खेले, विदिशा का नाम पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में रोशन करें। मेरी शुभकामनाएं हैं। क्रिकेट जैसा इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, आज क्रिकेट का फीवर है पूरे देश में, और ऐसे में यहाँ के खिलाड़ियों को इतना अच्छा मैदान मिल रहा है, निश्चित रूप से विदिशा के खिलाड़ियों के लिए भविष्य उज्ज्वल है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, यह मैदान कीर्ति स्थापित करे, इतना ही निवेदन। तो दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है जो कि जयपुर की टीम और फेथ क्लब भोपाल के बीच होगा। आज जो टीम जीतेगी कल इंदौर के साथ फाइनल खेलेगी। फाइनल के अतिथि हमारे सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी होंगे और उनके साथ जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष हमारे बीच होंगे। और आज जैसा कि प्रदेश के महामंत्री भाजपा के भगवान दाजी सबनानी ने आके हमारे ग्राउंड की शोभा बढ़ाई, तो मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और कल के मैच में अधिक से अधिक संख्या हमारे बीच आए, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा, यही मेरी प्रार्थना है।